अभी आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे अभी नया चैप्टर चालू करेंगे तो वैसे आप लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही पूरी फाइल आपको भेजी हुई है, पर जिसको नहीं मिला है तो मैं उनको अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है? तो आप लोग पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड से सौ अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है? सौ अश्वमेध यज्ञ करने की वजह से वो इंद्र पद पर जा सकते थे, और इंद्र को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए इंद्र ने थोड़ा समस्या किया, ठीक है? वही चीज एक सेकेंड अध्याय 19 श्लोक संख्या 1। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट। मैत्रेय उवाच, अध्याय का नाम है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और इसमें भगवान के कृपा कैसे मिलती है इस बात का एक गूढ़ रहस्य पता चलेगा। सीधे सीधे तो सबको पता होगा, लेकिन और भी चीजें हैं जिनसे हमें भगवान की कृपा मिल जाती है, ठीक है? तो वो इस कहानी में पता चलेगा, स्पेशली पृथ्वी महाराज को। तो भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए ये इस बारे में हमें पता चलेगा। तो आप लोग शुरू से ध्यान रखिए कि क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? मैत्रेय उवाच, अथ दीक्षत राजा तु है मेद शतेन सह ब्रह्मा वर्ते मनु क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, अतः तत्पश्चात अधीक्षक श्रुत्या राजा, राजा ने तू तब है घोड़ा अश्व मेद यज्ञ शतेन 100 संपन्न करने के लिए सहा, वो है ब्रह्मावर्ते, ब्रह्मावर्त नाम से क्या मनो प्रांभु मनु के क्षेत्र भूभाग में यत्र जहाँ प्राची पूर्व की और सरस्वती सरस्वती नदी। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर, राजा प्रतु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मवर्त कहलाता है जो शांभु मनु द्वारा शासित था, ठीक है? बिल्कुल शुरुआत से नई कहानी चालू हो रही है, ठीक है? तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयम् आत्मना सत्कर्तुं ममर्षे प्रत्योर्यज्ञ महोत्सवम्। तद अभिप्रेत यह विचार कर भगवान परम शक्तिशाली कर्मातिशयम् सकाम कर्मों में बाजी मारने वाला आत्मना स्व शत्रु इंद्र, जिसने एक यज्ञ किए थे। इंद्र का एक और नाम है शत्रु, क्रतु माने होता है यज्ञ, शत माने 100, जिसने 100 यज्ञ किए हुए इंद्र उसका नाम है। ना नहीं ममर से सहन कर सका प्रथो राजा प्रथो का यज्ञ यज्ञ का महाउत्सव महोत्सव। जब बात क्या हुई, प्रथु महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्लानिंग किया और शुरू कर दिया, ठीक है? जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि सकाम कर्म में राजा प्रभु उनसे बाजी मारने जा रहा है, ठीक है? वो भी 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरे बराबर आ जाए। अतः वह राजा प्रभु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सका, ठीक है? वो नहीं उसको सहन कर पाया। इस भौतिक जगत में जो भी सुख को उपभोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने के लिए आता है, ठीक है? जो ही व्यक्ति यहाँ पे
सुख भोगने के लिए या भौतिक प्रकृति का शासन करने के लिए आता है वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करना माने जलन रखना, और ये ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र में भी पाई जाती है। बताइए, मतलब कोई व्यक्ति सोचे कि हम कुछ बड़ा आदमी बनने के बाद नहीं करेंगे ईर्ष्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा व्यक्ति बनने के बाद भी व्यक्ति को एक दूसरे से ईर्ष्या हो सकती है। आप देख लीजिए कि कैसे इंद्र, इंद्र तो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, पूरे स्वर्ग का राजा है इंद्र, फिर भी उसको ईर्ष्या है कि नहीं। इंद्र को एक्चुअली में वैसे हमेशा डर लगता रहता है कोई कहीं दूसरा कोई हमारे उसमें ना आ जाए, और जितना वो डरता है जितना वो परेशान रहता है उतना ही लोग उनके ऊपर आक्रमण भी करते हैं। ठीक है, तो वैसे ऐसा भी नहीं, इंद्र के बारे में कई कहानियां आती हैं, मैं तो ये नहीं मानना चाहिए कि हर एक कहानी एक ही व्यक्ति के बारे में है। इंद्र एक पद का नाम है और उस पे जो है वो व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो कभी जो कोई घटना आपने सुनी होगी वो एक इंद्र की है, और कोई घटना दूसरे इंद्र की भी हो सकती है। इंद्र कई मतलब इंद्र एक पदवी है, पोस्ट है। ठीक है, तो उसमें इंद्र बदलते रहते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री है कोई, बाद में कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो ये तो पर कहेंगे क्या प्रधानमंत्री पीएम पीएम सब बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति तो दूसरा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से इंद्र भी पदवी है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो लोग भौतिक जगत में सुख भोगना चाहते हैं या इस प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, प्रकृति के ऊपर हम जैसा कहें वैसा हो, तो वो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। और ये इस तरह की ईर्ष्या इंद्र में भी है, जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है कि इंद्र अनेक बार अनेक प्रति अनेक लोगों के प्रति ईर्ष्या करता रहा। ये विशेष रूप से पहचान महान सकाम कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहता था। जब भी इंद्र देखता था कि कोई तपस्या कर रहा है, इंद्र ने देखा कि कोई तपस्या कर रहा है, तो उसको ये डर लगता था कहीं ये तपस्या करके इतना बड़ा ना बन जाए कि मेरे मेरी पोजीशन को हिला दे, उनको ये डर लगता था। ठीक है, तो इस तरीके के डर से बचने के लिए वो उनकी तपस्या को भंग करता था, कुछ ना कुछ समस्या करता रहता था। तो उनको इंद्र को ये डर हमेशा बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद ना हत्या ले, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी पराई विभूति नहीं देख सकता, दूसरे की उन्नति कोई नहीं देख सकता। उसको बड़ा कष्ट होता है लोगों को, दूसरे के घर में बड़ी गाड़ी आ गई आ रहे उसके यहाँ गाड़ी है, हमको दुख हो रहा है। किसी का घर बड़ा बन गया, हमको दुख होता है। तो दूसरे का सुख लोग संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी है। वो क्यों सुखी है? ठीक है ना, तो इस ये प्रभुपाद देख रहे हैं कि दूसरे की विभूति नहीं देख सकता आदमी। अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाता है। जब हमें दूसरे की खुशी, दूसरे की उन्नति, दूसरे की प्रगति से कष्ट हो, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है। और जिस जिसके अंदर ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या माने दूसरा अच्छा काम करे तो हमको बुरा लगे, तो ईर्ष्या अगर किसी के हृदय के अंदर है तो भक्ति नहीं कर सकता, और ना उसको भक्ति की बातें समझ में आएंगी, ना तो उसे गीता समझ में आएगी, ना उसे भागवतम समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये पहला नियम है निर्मत्सराणाम सताम। ठीक है, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं तुमको ये गीता इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, और इसको बार 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 भगवान ने इस बारे में अर्जुन से बीच बीच में ही बोलते रहे कि फिर से मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुमको ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या से रहे तो ईर्ष्या नहीं है, जलते नहीं हो किसी को देख के, किसी के प्रति जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान कौन सीख सकता है गीता भागवत का, जो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं है।
भागवत भी इसी शुरू होती, निर्मत सराणाम सताम। भागवत किसके लिए है? भागवत उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से रहित हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि भागवत निर्मत्सरों के लिए है। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कलमश से मुक्त नहीं है वे कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं दूसरों से जलते हैं, वो लोग कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जब दूसरे अच्छे करें तो हमको भी खुशी होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता क्या है कि हमने भी कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया और हमारे दोस्त ने भी किया, उसकी लग गई हमारी नहीं लगी, तो कैसा लगेगा? तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है। लेकिन किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है तो भक्त सोचता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्ति भाव में आगे बढ़ गया है। ठीक है, इस प्रकार का निर्मत्सर वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है तो वह भौतिक प्राणी होता है। इस भौतिक जगत में पदार्थ देवता एक तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। बड़े बड़े देवताओं को इंद्र तक को ईर्ष्या होती है, बताइए। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। वैष्णव पे यही तो गुण है कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। और भक्ति में तो ईर्ष्या के लिए जगह ही नहीं है। भक्ति में क्या, दूसरा भक्त आगे बढ़ता है तो हमें खुशी होती है ना। जैसे अभी निर्जल एकादशी वाले दिन सबने खूब माला किया, किसी ने 32, किसी ने 64, किसी ने 100, ऐसे सब लोगों ने माला किया। तो जो एक भक्त ने मान लो 32 माला किया और दूसरे उसके भक्त ने, दूसरे दोस्त ने 64 माला कर दिया, तो इस भक्त को बुरा नहीं लगता, इसको और खुशी होती है, हरि बोल आपने बहुत अच्छा किया। उनको खुशी हो रही है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको खुशी होती है। ये भक्ति का लक्षण है। ठीक है, ये क्या है, भक्ति का लक्षण है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, श्लोक संख्या 3, यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरि ईश्वरः अनुभूयत सर्वात्मा सर्वलोक प्रभु। यत्र जहाँ यज्ञपति समस्त यज्ञों का भोक्ता साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हरि विष्णु ने ईश्वरः परम नियंता अनुभूयत दर्शन दिया, सर्वात्मा प्रत्येक का परमात्मा सर्वलोक गुरु समस्त लोगों का स्वामी अथवा हरेक का शिक्षक प्रभु स्वामी। ठीक है, आप लोग अपनी किताब में देख के साथ साथ समझ सकते हैं। स्कंध 4 अध्याय 19 श्लोक संख्या 3। जिनके पास किताब है वो किताब में पढ़ सकते हैं, जिनके पास किताब नहीं है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेजा है पीडीएफ फाइल, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुवाद। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, वे समस्त लोगों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। इस श्लोक में आए हुए साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई है, कई बार आ चुकी है। वास्तव में पृथु महाराज एक जीवात्मा थे किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थी। किसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार? बस, और फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे, विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है। ठीक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का, ठीक है, ईश्वर कृष्ण है और जीव जीव है। ठीक है, तो विष्णु राम नरसिंह ये सब विष्णु तत्व है, ईश्वर तत्व, और जीव हम लोग आत्मा वो भगवान ईश्वर के अंश का सूचक है। ठीक है, जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो वह शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। ठीक है,
जब किसी एक जीव को भगवान एक स्पेशल शक्ति दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शक्त्यावेश होता है। यहाँ पर विष्णु हरीर ईश्वर के रूप में वर्णित है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, हरि। सर्व अमंगल हरे इति हरि। हरि का मतलब क्या है, सर्व अमंगल हरे इति हरि, ठीक है, ये हरि का मतलब है। और क्या मतलब है कि मतलब जो सब अमंगल को हर लेता है, खींच लेता है सारे कष्टों को, सर्व अमंगल हरे इति हरि, ठीक है। और हरि का दूसरा मीनिंग है प्रेम दिए हरे मन, मन को हरण कर लेता है कौन, हरि। कृष्ण क्या करते हैं, हमारे मन को चुरा लेते हैं और हमको क्या दे देते हैं, प्रेम दे देते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको कहते हैं हरि। तो यहाँ पे हरि का क्या मीनिंग आ रहा है कि जो सारे कष्टों को दूर कर देता है उनको कहते हैं हरि, क्योंकि शब्द क्या आ रहा है श्लोक में, हरि ईश्वर। वे ईश्वर क्यों कहे जाते हैं, क्यों हरि क्यों बताया, क्योंकि वो सारे कष्टों को ले लेते हैं। और ईश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे जो चाहे सो कर सकते हैं, वे परम नियंता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ईश्वर। ओके, तो उनको कहते हैं ईश्वर। अच्छा, परम ईश्वर कौन है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, आपने सुना है परम ईश्वर, तो परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं जब वे भगवद गीता में अपने भक्त को आश्वस्त करते हैं। क्या कहते हैं भगवान भगवद गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मा शुचः, डरो मत, डरने की जरूरत ही नहीं। तो यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले, किसकी, जो कह रहा है हम तो हम सर पापे, वो कौन कह रहा है, श्री भगवान वाचा, गीता में लिखा ना श्री भगवान वाचा, पर कौन बोल रहा है, कृष्ण। कृष्ण कौन हुए, श्री भगवान, ठीक है कि नहीं। तो वो श्री भगवान कृष्ण की शरण में जो जाएगा तो केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो उसके सारे पाप कर्मों के फल खत्म हो जाते। और फिर आगे यहाँ पे हरि ईश्वर सर्वात्मा एक शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, ठीक है। और भगवान परमात्मा के रूप में रहते हुए सबको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उनको चैत्य गुरु भी कहते हैं, सबको वह दिशा निर्देश देते रहते हैं। यदि हम भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें तो हमारे जीवन क्या हो जाएगा, तुरंत ही सार्थक हो जाएगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हमें समझना चाहिए कि कृष्ण किस तरीके से परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहते हैं। और चार गुरु होते हैं, उनमें से एक गुरु होता है चैत्य गुरु, ठीक है। तो चैत्य गुरु भगवान परमात्मा को ही कहते हैं, वो हृदय के अंदर बैठ के हमें दिशा निर्देश देते हैं कि क्या होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, है ना। जैसे किसी हृदय में इच्छा है कि इस तरह से हमें माला कर सकते हैं, इस तरह से गीता भागवत पढ़ सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ये सब कौन देता है, चैत्य गुरु देता है, ठीक है। तो भगवान ने क्या आदेश दिया है, गीता में भगवान ने कहा है कि भैया सब चीजें छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ और डरो मत। क्योंकि आदमी सोचेगा यार अगर कृष्ण की शरण में चला गया मैं तो मेरी इतनी सारी जिम्मेदारियां छूट जाएंगी, इतने सारे काम छूट जाएंगे, तो उसका पाप मेरे ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं। तो उस पाप से बचने के लिए अगर मुझे कौन बचाएगा, मैं तो कृष्ण, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं बचाऊंगा सभी पापों से, मैं तुम्हारे सब पापों को खत्म कर दूंगा, तुम आ जाओ बस मेरी शरण में, है ना।
अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गंधर्वैर् मुनि विश्वाप सरोगणे। अन्विता साथ में ब्रह्मा, ब्रह्म द्वारा सर्वाभ्याम सदाशिव द्वारा लोकपाल इन लोगों के प्रधानों द्वारा सह अनुगई अपने अपने अनुचरों के साथ उपगीय माना प्रशंसित होगा गंधर्व गंधर्व लोक के वासियों द्वारा मुनि भी मुनियों द्वारा चा भी अप्सरा गणी अप्सरा लोक के वासियों द्वारा। अब उसके बाद क्या हुआ वहां पे प्रथु महाराज जहाँ यज्ञ कर रहे हैं ठीक है तो वहां पे यज्ञ हो रहा है वहां भगवान विष्णु भी प्रेजेंट है प्रथु महाराज तो है। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा जी शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी आए। जहाँ पे यज्ञ हो रहा सरस्वती नदी किनारे यज्ञ हो रहा था वहां पे सब भगवान विष्णु तो आए उनके साथ और भी देवी होता है ब्रह्मा शिव तथा सब लोग आए। और जब वो सब वहां आ गए और कौन आए गंधर्व लोक के निवासी ऋषि मुनि अप्सरा लोक के निवासी सभी लोगों ने खूब प्रशंसा की क्योंकि यज्ञ जहाँ हो यज्ञ हो पूजा हो कोई सी भी व्यवस्था हम करें धार्मिक काम करें वहां वो किस लिए होता है वो सब होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं सब चीजें किस लिए होती हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और अगर विष्णु प्रसन्न हो गए तो हर चीज जो है सब सब प्रसन्न विष्णु प्रसन्न तो फिर ये मान लो कि कोई कमी नहीं रहेगी है ना। हर यज्ञ यज्ञ माने कोई भी चीज जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए पहली बात तो यज्ञ विष्णु का ही दूसरा नाम है फिर जो यज्ञ होता है वो किसके लिए होता है वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है हर चीज विष्णु की प्रसन्नता के लिए ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं आज कलयुग में संकीर्तन यज्ञ किस लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। पहले आहुति वाला फायर सेक्रीफाइस यज्ञ में डालते थे वो किसके लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए ठीक है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जैसे जॉब करता है तो वो भी एक यज्ञ है ना वो काम करेगा वहां से लाएगा भगवान विष्णु को भोग लगाएगा तो वो भी यज्ञ है ना। पति पत्नी साथ रहते हैं गृहस्थ आश्रम भी एक यज्ञ के जैसा है ना। पति और पत्नी जो साथ रहते हैं वो एक यज्ञ है ठीक है। और वो यज्ञ किस लिए है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरीके से ये अगर विष्णु प्रसन्न हो गए तो सब फिर सब प्रसन्न है ये मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं आ गए हैं इसलिए सब लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। पांचवा श्लोक सिद्धा विद्या धरा दैत्या दानवा गुयका दया सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। सिद्धा सिद्ध लोक के वासी विद्याधरा विद्याधर लोक के वासी दैत्यादिति के वंशज दैत्य दानवा असुर गुयका आदया यक्ष इत्यादि सुनंद नंद प्रमुखा सुनंद तथा तो नंद इत्यादि भगवान के मुख्य पार्षद 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 सहयोगी प्रवरा प्रतिष्ठित हरे भगवान के। भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासी दिति की समस्त संतानें असुर तथा यक्षगण थे उनके साथ सुनंद तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। तो बता रहे हैं भगवान के साथ और कौन कौन आया तो नंद और सुनंद भी आया। आपको याद होगा नंद और सुनंद भगवान के प्रमुख पार्षद माने होते हैं जो असिस्टेंट साथ में रहते हैं है ना। तो ये नंद सुनंद वही जो ध्रुव महाराज को भी लेने आए थे याद होगा आपको ठीक है। कपिलो नारदो दत्तो योगेश आसन का दया तमन वीर्य भागवता ये चतुका। और कौन कौन आया वहां पे कपिला कपिल मुनि नारदा नारद ऋषि दत्ता दत्तात्रेय योगीशा योग शक्ति के स्वामी सनक आद्या सनक इत्यादि तम भगवान विष्णु अन्वी पीछे पीछे भगवत भागवता परम भक्तजन ये सभी जो चावी तत्सेवन उत्सुका भगवान की सेवा के लिए सदैव उत्सुक रहने वाले। भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव जो लोग लगे रहते हैं वो परम भक्त अर्थात कपिल नारद तथा दत्तात्रेय नामक ऋषि और साथ ही साथ सनत कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अब सोचो आप इसका मतलब बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है ठीक है। ये जब चतुर्थ स्कंद हमने शुरू किया था आप लोगों को याद होगा उस समय भी एक यज्ञ के बारे में कहानी हुई थी कि नहीं हुई थी। वो यज्ञ किसने किया था वो यज्ञ किया था दक्ष प्रजापति ने। तो पहले के समय में यज्ञ होना एक बहुत बड़ी बात होती थी
ठीक है, बहुत लोग आते थे, उस टाइम भगवान भी आते थे उसमें, तो उस यज्ञ में भी पंगा हुआ था, ठीक है, और ये यज्ञ भी यहाँ हो रहा है, इसमें भी पंगा होगा। तो जब कोई बड़ा आयोजन होता है ना, तो उसमें थोड़े बहुत पंगा, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होती ही है हमेशा से, ठीक है। यहाँ पे आगे और देखिए आगे क्या हुआ यज्ञ में, इतने लोग आए, बड़े बड़े लोग आए। यत धर्म दुगा भूमि सर्व काम दुगा सती दोग्धि स्वामी सिक्तान अर्थान यजमानस्य भारत। यत्र जहाँ धर्म दुगा धर्म हेतु प्रचुर दूध को उत्पन्न करने वाली भूमि पृथ्वी सर्व काम समस्त इच्छाएं दुगा दूध रूप में प्रदान करने वाली सती गाय दोग्धि इसमें पूर्ण किया। अभीप्सितान इच्छाओं को अर्थान वस्तु यजमानस्य यज्ञकर्ता के भारत हे विदुर। हे विदुर उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली काम धेनु बन के बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में धर्म दुगा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जो काम धेनु का सूचक है। काम धेनु को क्या कहते हैं? सुरभि। सुरभि गायें बैकुंठ में पाई जाती है और जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण इन गायों के पालन में लगे रहते हैं। सुरभिर अभिपालयन्तम्। सुरभि गाय को चाहे जितनी बार दुहा जाए, चाहे जितने दूध की आवश्यकता उतना दूध देती है। सुरभि गाय की खासियत क्या है कि उससे कितना भी दूध आप ले सकते हैं। दूध की आवश्यकता अनेक दूध पदार्थों के बनाने में होती है, विशेष रूप से घी की आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में पड़ती है। दूध की जरूरत क्यों होती है? दूसरे चीजें बनाने के लिए, स्पेशली घी, क्योंकि घी यज्ञ में डलता है, तो घी बनाने के लिए दूध चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम निर्दिष्ट किए गए यज्ञ नहीं करते, हमारी जीवन आवश्यकताएं रुक जाती हैं। भगवत गीता में भगवान ने पुष्टि करी है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की, यज्ञ का अर्थ है भगवान को तुष्ट रखने के लिए कार्य करना, जो कुछ जीवन में करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। किंतु इस युग में ऐसे सुयोग ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेदों के अनुसार यज्ञ करा सकें। इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या बताया गया है, क्योंकि कलयुग में तो ऐसा यज्ञ नहीं करा सकते, ना तो घी शुद्ध ना पंडित जी शुद्ध है कि नहीं। तो भागवत क्या कहती है, कलयुग में क्या करो, संकीर्तन करके तथा यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करके प्राचीन समय में यज्ञों से प्राप्त होने वाले सभी फलों को प्राप्त किया जा सकता है। जो उस समय में हवन वगैरह करके यज्ञ में आहुति डाल के जो फायदा मिलता था, वही फायदा कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करके मिल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? संकीर्तन यज्ञ से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यज्ञै संकीर्तन प्रायै। राजा प्रथु तथा अन्यों ने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके पृथ्वी से जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। अब फिर से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ने इस संकीर्तन यज्ञ के आंदोलन को प्रारंभ किया है। बीच में अगर कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। 7 बजे तक चलेगी कथा, ठीक है। मनुष्यों को चाहिए कि इस महान यज्ञ का लाभ उठाएं और संघ के कार्य में सम्मिलित हों, तब किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। यदि संकीर्तन यज्ञ किया जाए तो औद्योगिक उपक्रमों में भी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अतः इस पद्धति का जीवन के समस्त अंगों, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक आदि में सूत्रपात किया जाना चाहिए। तब सभी कुछ शांतिपूर्वक तथा सरलता